जो सहमति बना है नेपाली कांग्रेस के शेरबहादुर देउवा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी नेकपा एमाले जिसे कहते हैं उसका नेता केपी शर्मा ओली बीच ये 15 दिन पहले एक सहमति हुआ था मध्य रात को, और उस सहमति के मुताबिक अब जो बचा है 5 साल में बचा है 3 साल, 1.5 साल देउवा प्रधानमंत्री रहेंगे उसके मुताबिक, और बाकी जो 1.5 साल है उसमें शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाली कांग्रेस के। सो ऐसा सहमति हुआ है, फिर भी चुनौती ये है कि राजनीतिक विश्लेषक नेपाल के मामले में जो 400 इंटरेस्ट रखते हैं उनके मुताबिक इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर गड़बड़ हो गया तो आप सरप्राइज मत होना है, ऐसा कहते हैं, मगर अब नेपाली जनता नेपाली विश्लेषक का आशा है कि ये जो सहमति है उसके बाद नेपाल में चुनाव होगा। तो ऐसा है, पिछले कुछ महीनों में किस तरह के राजनीतिक बदलाव हुए कि यहाँ पर सरकार ही बदल गई, अगर आप कुछ समझा सके। 1.5 साल पहले नेपाल में आम निर्वाचन हुआ था, संसद का चुनाव हुआ था, उसके बाद नेपाल में किसी भी राजनीतिक दल को पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत, तो इसीलिए ये सदन हॉन्ग पार्लियामेंट जो बन गया, हॉन्ग पार्लियामेंट में सबसे बड़ा दल नेपाली कांग्रेस बन गया, उसके बाद नेकपा एमाले रह गया, उसके बाद फिर नेकपा माओवादी केंद्र रह गया और कुछ नई शक्ति का भी उदय हुआ। तो उसके बाद सहमति तो हुआ था पहले भी केपी ओली माओवादी और ये नेपाली कांग्रेस के बीच, मगर गोलमाल हो गया बीच में, तो उसकी वजह से सत्ता गठबंधन बदलता रहा और फिर अब ऐसा समय आ गया, ऐसा परिस्थिति बन गया, केपी ओली चौथी बार देश में करीब 7-8 साल में नेपाल में संविधान जारी होने के बाद करीब 9 साल में अब ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उस पर फिर भी डाउट्स अभी भी जीवित है। प्रधानमंत्री की बात करें तो काफी समय से ये चर्चा में है, इनके आलोचक क्या कहते हैं और इनके प्रशंसक जो हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में? इनके प्रशंसक थोड़ा इनकी अपनी पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि नेपाल का एक जो नई नक्शा जारी करवाया उसमें राष्ट्रीय सहमति भी जुटाया, नई नक्शा दिल्ली को चुनौती देते हुए वो नक्शा सन 2020 में 2020 में मई में जारी हुआ। इस तरफ नेपाल के राष्ट्रवादियों की नजर में, इनके अपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की नजर में उस हिसाब से ये बहुत महान नेता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी है, मगर इनके आलोचक जो है इनके इन्होंने कई योजनाएं बनाई थी जैसे कि घर घर में गैस पाइप लगाने की, नेपाल का अपना पानी जहाज समुद्र में खुदवाने की, वो अभी तक हुआ नहीं है, साकार नहीं हुआ है, तो इसलिए इनके आलोचक हंसते भी है, इन्हें सीरियसली नहीं भी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। अब ये जानते हैं कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उस पर क्या असर हो सकता है, तो इसी के लिए हमने बात की नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज खेमरे से। फॉरेन पॉलिसी में उस तरह के कोई या भारत के साथ उस तरह के कोई नीति में परिवर्तन शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत के साथ कुछ पेंडिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, बैगेज है। ओली जब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे दो बार उनका भारत के साथ एक तरह का टसल बना था और उसको उसके कारण बायलैटरल रिलेशन में काफी डैमेज भी हुआ था। नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 2015 सितंबर में, भारत ने उसको डिले करने की कोशिश किया था। उसके बाद ओली ने चीन के साथ एक सहमति कर लिया कि वो ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी पोर्ट तक, चाइनीज पोर्ट तक एक्सेस लेने के लिए किया। इंडिया ने इसको पसंद नहीं किया लेकिन नेपाल के लोगों ने इसको इंडोर्स किया। उसी तरह मैप का है, लेकिन मैप के बारे में बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में यह है कि ओली या उनके पार्टी ने भी बार बार ये बोला है कि ये इश्यूज को बायलैटरली डिप्लोमेटिक चैनल से सॉर्ट आउट करना चाहिए। 4 साल से वो कमेटी की बैठक नहीं हुई है, इसमें ये डिप्लोमेटिक सफलता इसमें होगा कि अगर वो कमेटी एक्टिवेट हुआ और वार्ता शुरू करें।